टीम इंडिया में होगा बड़ा बदलाव। बदला जाएगा भारतीय टीम का कोच। कौन संभालेगा T20 में भारत की कमान। T20 वर्ल्ड कप 2022 में भारतीय टीम को जीत का प्रबल दावेदार माना जा रहा था, लेकिन इसके बावजूद टीम इंडिया सेमीफाइनल में इंग्लैंड के हाथों हार कर बाहर हो गई। हार भी ऐसी कि भारतीय टीम को 10 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद से लगातार BCCI ने अपना रुख जो है वो एक्शन के मूड में ले लिया है और BCCI ने चीफ सिलेक्शन कमेटी को बाहर किया और अब BCCI एक नए एक्शन की ओर आगे बढ़ रहा है। दरअसल आपको बता दें कि भारतीय टीम के लिए T20 फॉर्मेट में अलग कप्तान और अलग कोच की नियुक्ति हो सकती है। BCCI इस पर विचार कर रहा है। ये डिसीजन इस वजह से लिया जा रहा है कि ताकि पूरी तरीके से प्लानिंग सही हो सके। इसके अलावा भारतीय टीम 2024 में होने वाले T20 वर्ल्ड कप पर फोकस कर सके, भारतीय टीम जीत कर वापस लौट सके, इसी बात पर बोर्ड अब विचार कर रहा है। अब ऐसे में बड़ा सवाल होता है कि आखिरकार टीम इंडिया के वर्तमान कोच राहुल द्रविड़ का क्या होगा। उसके बारे में आपको जानकारी दें तो BCCI इस पर विचार कर रहा है कि राहुल द्रविड़ को वनडे और टेस्ट फॉर्मेट की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। इसके अलावा T20 में अलग कप्तान और अलग कोच की नियुक्ति की जाएगी। इतिहास में ऐसा पहली बार होगा कि एक वक्त पर टीम इंडिया के दो कोच होंगे, दो कप्तान होंगे। T20 में नया कोच होगा, नया कप्तान होगा और दोनों अलग फॉर्मेट में अलग अलग कप्तान कोच होंगे। इसके अलावा ये बड़ा डिसीजन इस वजह से लिया जा रहा है कि T20 फॉर्मेट में टीम इंडिया एक नई रफ्तार पकड़ सके। अब ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार भारतीय टीम के लिए T20 में ये जिम्मेदारी कौन संभाल सकता है। जो बड़ा नाम सामने आता है वो है टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी। टीम इंडिया को 3 ICC ट्रॉफी जिताने वाले महेंद्र सिंह धोनी इस पोस्ट के लिए सबसे पसंदीदा खिलाड़ी के तौर पर देखे जा रहे हैं। आपको बता दें कि टीम इंडिया जो इस वक्त मौजूदा खिलाड़ी हैं, तमाम खिलाड़ियों ने लगभग महेंद्र सिंह धोनी के साथ मुकाबले खेले हैं। ऐसे में महेंद्र सिंह धोनी के पास टीम इंडिया का एक बड़ा और बेहतर अनुभव है। भारतीय टीम के खिलाड़ी भी महेंद्र सिंह धोनी को समझते हैं। ऐसे में धोनी को टीम इंडिया की जिम्मेदारी दी जा सकती है। साथ ही आपको बता दें कि T20 वर्ल्ड कप 2021 में भी धोनी को टीम इंडिया के साथ बतौर मेंटोर के रूप में जोड़ा गया था और अब BCCI इस पर विचार कर सकता है। जो दूसरा नाम इस लिस्ट में शामिल है वो है पूर्व खिलाड़ी आशीष नेहरा। आपको बता दें कि IPL में आशीष नेहरा ने गुजरात टाइटंस के साथ पहली बार कोचिंग की जिम्मेदारी संभाली। हार्दिक पांडे की कप्तानी में और आशीष नेहरा की कोचिंग में गुजरात टाइटंस ने पहली बार में ही IPL जीत लिया। ऐसे में आशीष नेहरा को इस पद की जिम्मेदारी दी जा सकती है। इसके अलावा हार्दिक पांड्या भारतीय टीम के लिए नए कप्तान के तौर पर भी देखे जा रहे हैं और आशीष नेहरा और हार्दिक की जो जोड़ी है वो T20 फॉर्मेट में टीम इंडिया के लिए भी कमाल करे इसकी उम्मीद जताई जा रही है। बहरहाल इस लिस्ट में जो तीसरा नंबर है वो है VVS लक्ष्मण का। VVS लक्ष्मण की बात करें तो वह इस वक्त NCA के डायरेक्टर हैं। VVS लक्ष्मण टीम इंडिया के लिए कोचिंग की भूमिका भी निभाते हैं जब राहुल द्रविड़ की गैर मौजूदगी होती है। ऐसे में VVS लक्ष्मण का नाम भी सामने आ रहा है और वह T20 में टीम इंडिया की जिम्मेदारी संभाल सकते हैं। आपको बता दें कि उनकी कोचिंग में ही आयरलैंड और न्यूजीलैंड दौरे पर भारतीय टीम ने T20 सीरीज को अपने नाम किया है। बहरहाल लिस्ट में चौथा नंबर है टीम इंडिया के पूर्व ओपनर खिलाड़ी गौतम गंभीर का। BJP के सांसद और टीम इंडिया के पूर्व खिलाड़ी गौतम गंभीर का टीम इंडिया के लिए खास योगदान रहा है। साल 2007 में T20 वर्ल्ड कप जीतने में भारतीय टीम के लिए गौतम गंभीर ने एक अहम भूमिका निभाई थी। इसके अलावा उनकी कोचिंग में उनके मेंटरशिप में ही IPL की नई टीम लखनऊ सुपर जायंट्स ने अपने पहले ही सीजन में कमाल किया था। ऐसे में गौतम गंभीर का आक्रामक तरीका T20 फॉर्मेट में टीम इंडिया को फायदा पहुंचा सकता है और BCCI इस पर भी विचार कर रहा है। बहरहाल ये बात हुई देसी कोचों की। ऐसे में अगर विदेशी कोच का नाम सामने आता है तो भारतीय टीम के लिए बड़ा ऑप्शन है महला जयवर्धने। श्रीलंका के पूर्व कप्तान महला जयवर्धने टीम इंडिया के नए कोच बन सकते हैं। बात करें अगर महला जयवर्धने की तो IPL में उन्होंने कई खिलाड़ियों के साथ काम किया है। वह मुंबई इंडियंस के साथ जुड़े हुए हैं और लगातार मुंबई इंडियंस के लिए कमाल करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में अगर महला जयवर्धने भारतीय टीम के साथ जुड़ते हैं तो IPL का उनका अनुभव टीम इंडिया को भी फायदा पहुंचा सकता है। बहरहाल ये तो देखने वाली बात होगी कि आखिरकार महेंद्र सिंह धोनी, आशीष नेहरा, VVS लक्ष्मण, गौतम गंभीर, महला जयवर्धने से कोई टीम इंडिया का नया कोच बनता है या फिर BCCI एक नए और किसी विदेशी कोच पर विचार करती है। क्या कुछ आपकी राय है कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। स्पोर्ट्स की अपडेट के लिए देखते रहिए वन इंडिया। नमस्कार।